तो भाई लोग कैसे हो सब, मैं फिर से आ चुका हूँ यहाँ एक नए वीडियो के साथ। तो इस आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं ये आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के जान ही चुके होंगे। तो हाँ मेरे भाई लोग, आज के वीडियो में अपन लोग यहाँ पर से आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पर से अपने TDM मैच के अंदर यहाँ पर से यार सारे कस्टम रूम जो आप लोग यहाँ पर से अपने फ्रेंड्स के साथ गेम प्ले करते हो यार अपना रूम बना के उसको यार आप लोग 1v1 में यार सारे TDM को आप लोग कैसे विन कर सकते हैं। तो इस आज के वीडियो में यार आप लोग को यहाँ पर से मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ जिससे अगर आप लोग इस चीज को अगर अच्छे से अपने गेम प्ले में अप्लाई कर लिए तो भाई लोग आप लोग कितना भी यहाँ पर कस्टम रूम बना के खेलो यार आप लोग यहाँ पर 1v1 अपने फ्रेंड के साथ हमेशा भाई आप ही यहाँ पर से अपना 1v1 वाला जीतोगे मैच। तो भाई लोग इससे यार आप लोगों का पावर रुतबा सारी चीजें यहाँ पर से बढ़ जाएंगे कि यार यहाँ पर से आप लोग 1v1 मैच यहाँ पर से हारते ही नहीं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है यार, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। और उससे पहले यार कोई घूमते फिरते चैनल में पहली बार आ चुका है तो भाई लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑल जगह लेना। तो भाई लोग वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे भाई लोग सबसे पहले यार आप लोग को यहाँ पर से क्या करना है आप लोग को यहाँ से बता देता हूँ। तो भाई लोग अगर यार आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर 1v1 यार कस्टम रूम बना के TDM गेम प्ले कर रहे हो तो भाई लोग आपको यार यहाँ पर से विन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे पहले आता है वो है गाइस यहाँ पर से आपका ईयरफोन। तो गाइस अगर यार आप लोग बिना ईयरफोन के खेल रहे हो तो भाई लोग आप लोग अपने बंदे का यार यहाँ पर से साउंड सेंस कर ही नहीं पाओगे कि यार आपका बंदा यहाँ पर से लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है। तो गाइस इसके लिए यार आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर से कंपलसरी यार आप लोग को ईयरफोन लगा के यहाँ पर से गेम प्ले करना है जिससे कि आप लोग एकदम यहाँ पर से आसानी से यार अपने बंदे का अपोजिट जो भी होगा उसका आप लोग साउंड यहाँ पर से अच्छी तरीके से सेंस कर पाओगे कि यार वो लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से। तो यार उससे आप लोग यहाँ पर से अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो गाइस इसके लिए क्या करना है, आप लोग यहाँ पर जो आपका एकदम यार अच्छा ईयरफोन नहीं भी है तो भी चलेगा यार, लेकिन एकदम लो बजट वाला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम रेंज वाला यार आप लोग ईयरफोन लो और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर से काम में आ जाता है। तो भाई लोग यहाँ पर से यार सेकंड बात, तो भाई लोग आप लोग यहाँ पर से सेकंड यार सबसे इंपॉर्टेंट फ्री फायर। तो भाई लोग यहाँ पर से आप लोग अच्छा ईयरफोन लगाओगे तो आप लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि बंदा आप लोग का लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से। और भाई लोग जैसे ही बंदा यहाँ पर से पास में आता है तो यार उसके फुटस्टेप के साउंड यहाँ पर से बढ़ जाते हैं। तो कैसे अगर वो लेफ्ट से आ रहा हो तो आपको लेफ्ट में पहले से फ्री फायर देने लग जाना है, अगर वो राइट से आ रहा है तो आपको राइट में यहाँ पर से पहले से फ्री फायर देने लग जाना है। तो गाइस इससे आप लोगों का बेनिफिट क्या होगा यार, आपका बंदा जैसे ही आपके ऊपर एंटर करेगा रश करेगा मारने के लिए तो गाइस जो आपका फ्री फायर का पहले का एमओ होगा बुलेट होगा वो गाइस कम से कम यार 3 से 4 बुलेट उसको पहले ही लग जाएगा। तो यार आपका डैमेज उसको पहले मिलेगा, फिर यार आप लोग उसको एकदम इजी से यहाँ पर से फिनिश कर पाओगे। फिर गाइस थर्ड आ जाता है यहाँ पर यार अपना आपका जो क्रॉस एयर होता है यार एम का, उसको गाइस हमेशा आप लोग को यार अपने यहाँ पर से हेड पोजिशन में रखना है। क्या कि यार आपका जितना यहाँ पर से लेंथ यार प्लेयर का सेम टू सेम आपके ऑपोजिट बंदे का भी होगा, इस कारण से यार आप लोग को यहाँ पर से क्रॉस एयर को अपने हेड में यहाँ पर से सीधा का सीधा हेड हाइट में यहाँ पर से आपको रखना है क्रॉस एयर को। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा यार, अगर आप लोग अपने सेम टू सेम हेड हाइट के ऊपर यहाँ पर से अपना क्रॉस एयर रख गेम प्ले कर रहे हो तो किस यार आप लोग को यहाँ पर काफी ज्यादा चांस है यार आपका कि सामने वाले बंदे को आपका यहाँ पर से सारा का सारा हेड शॉट लगेगा। अगर यार सारा नहीं लगा तो कम से कम यहाँ पर से आपका 3 से 4 हेड शॉट लग जाएगा। तो किस इतना कतई काफी है यार यहाँ पर आपके सामने वाले बंदे को फिनिश करने के लिए। तो इस यहाँ पर से आप लोग को मैं दिखा देता हूँ यार 2-3 यहाँ पर से क्लिप जिसमें यार आप लोग यहाँ से देख लो कि हेड किस तरीके से पड़ता है अगर आप लोग क्रॉस एयर को सीधा अपने हेड पोजीशन में रखोगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने यहाँ पर से देखा यार यहाँ पर से जो मेरा क्रॉस यार वो सेम टू सेम अपने हेड पोजीशन में रखता हूँ जिससे यार सामने वाला बंदा मेरे ऊपर अटैक करता है तो यार मेरा यहाँ पर से उसको 2 से 3 हेड यहाँ पर से लग ही जाता है जिससे यार सामने वाला बंदा यहाँ पर एकदम आसानी से फिनिश हो जाता है। तो कि सेम टू सेम आप लोग को इसी तरीके से करना है यार, अभी तक जो जो मैं आप लोग को यहाँ पर से यार टिप्स दिया सेम टू सेम आप लोग को अपने यहाँ पर से गेम प्ले में अप्लाई करना है। और भाई लोग यहाँ पर से अगर कुछ को भी आप लोग यहाँ से अच्छे से नहीं कर रहे हो तो भी एक बार चल जाएगा यार, पर जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यार वो यहाँ पर से प्री फायर और सेकेंड यहाँ पर से हेड पोजिशन में आपका क्रॉस एयर, ये दोनों चीज़ यार सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग को यार प्री फायर देना ही देना है। और किस यहाँ पर अगर आप लोग को एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोग एक बार फायर देना यहाँ पर से स्टार्ट किए तो भाई लोग जब तक यार यहाँ पर से फायर दिया करो कि सामने वाला बंदा यहां पर से फिनिश हो जाए। तो यार उसका भी यहां पर से आप लोग को एक क्लिप दिखा देता हूं। Kill.
तो गाइस जैसे कि आपने देखा यार, यहाँ पर से मेरा बंदा कवर में जा चुका था। उसके बावजूद यार मैं यहाँ पर से अपना फायर को रोका नहीं, यहाँ पर से यार मैं फायर देते गया। फिर गाइस सामने वाले को बंदे को क्या लगा कि अब रिलोडिंग आएगा, पर गाइस मेरा रिलोडिंग तो आया नहीं, वो सामने आया तो वो बंदा यहाँ पर से फिनिश हो गया। तो गाइस सेम टू सेम यार आप लोग को भी अपने गेम प्ले में इस तरीके से सारे टिप्स को अप्लाई करना है। और गाइस यार सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है आप लोग को हेडशॉट मारने का, जिससे यार आप लोग कैसे मार पाओगे कि आप लोग का जो यहाँ पर से क्रॉस एयर होता है उसको आप लोग अपने प्लेयर के हेड पोजीशन में रखना है। तो भाई लोग जो भी वाले वीडियो में आप लोग इतने सारे टिप्स बताया भाई, आप लोग को सेम टू सेम उस तरीके से अपने गेम प्ले में अप्लाई करना है। और भाई लोग यहाँ पर से यार एकदम ईजी है, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बोला आप लोग सेम टू सेम कर लोगे। भाई लोग इसको यार आप लोग दबा के प्रैक्टिस करो यार, 2 से 3 दिन में यार, 4 से 5 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में यहाँ पर से अगर आप लोग सेम टू सेम इस चीज को यहाँ पर से ट्राई करते हो अपने गेम में और प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, तब यार आप लोग को ये अपने गेम प्ले में अच्छे से आ जाएगा। वो बात यार आप लोग सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो भाई लोग आप लोग को प्रैक्टिस करते जाना है, आप लोग गेम एकदम यार परफेक्ट हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर से सारे के सारे टीडीएम 1v1 आसानी से विन कर जाओगे। तो भाई लोग फिलहाल आज के वीडियो के लिए तो इतना ही था यार। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई लोग ऐसे ही वीडियोस के यार चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑल पे कर लेना। फिर गाइस जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो का यार नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से पहुंच जाएगा। तो भाई लोग आज के वीडियो के लिए बस इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।